आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सीएम करेंगे कांग्रेस भवन का शिलान्यास, लोग कर रहे भवन का विरोध। छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे आरएसएस प्रमुख, 5 जिलों के स्वयंसेवक रहेंगे उपस्थित। बुजुर्ग दंपत्ति को बताया टुनहा टुनी, आरोपियों ने की दंपत्ति के साथ मारपीट। पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, पत्नी ने की थी पति की हत्या। परिवार के एक युवक की पानी में डूबने से हुई मौत, पिकनिक मनाने गया था परिवार। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राधिका नगर में कांग्रेस भवन का शिलान्यास करेंगे, लेकिन स्थानीय 6 वार्डों के निवासी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जिस जमीन पर कांग्रेस भवन है वहां 2021 में स्टेडियम बनाने की घोषणा सीएम ने की थी, लेकिन इसके लिए 60 लाख रुपए भी मंजूर किए गए थे। अभी कुछ दिनों पहले मैदान में छत्तीसगढ़ ओलंपिक का भी आयोजन किया गया था। अंबिकापुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की आगमन की तैयारियां जोरों पर हैं। बता दें कि पीजी कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन होना है। इस कार्यक्रम में 5 अलग अलग जिलों के स्वयंसेवक उपस्थित रहेंगे, तो वहीं विशाल पथ संचलन का भी स्वागत किया जाएगा, जिसमें लगभग 10,000 स्वयंसेवक अपने गणेश वेश में रहेंगे। मोहन भागवत पथ संचलन के बाद पीजी कॉलेज मैदान में आम सभा को संबोधित भी करेंगे। ये अंबिकापुर के सभी स्वयंसेवकों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि प्रथम बार पूज्य मोहन भागवत जी अंबिकापुर आ रहे हैं, और इस निमित्त नगर में एक भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया है, जिसमें 5 प्रशासकीय जिलों से लगभग 10,000 की संख्या में स्वयंसेवक रहने वाले हैं, और नगर के 4 स्थानों से वो भव्य संचलन निकलेगा, जो मार्ग में धीरे धीरे एक माने मिलते हुए एक हो जाएगा, और अंत में पीजी कॉलेज ग्राउंड में वो पूरा संचलन पहुंचेगा। ठीक 3:30 बजे मंचीय कार्यक्रम शुरू होगा, और उसमें परम पूज्य मोहन भागवत जी का उद्बोधन हम सबको सुनने को मिलेगा। इस निमित्त आप सभी श्रेष्ठ बंधुओं से, गणमान्य नागरिक बंधुओं से आदर सादर सहित निवेदन है कि इस कार्यक्रम से अधिक बंधु उपस्थित होकर उनके उद्बोधन का लाभ उठाए। सरगुजा के सीतापुर में लगे मनगरेलगढ़ नदी में पिकनिक मनाने गए परिवार के एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। बता दें कि मोहला कटनई पारा के निवासी का परिवार पिकनिक मनाने मनगरेलगढ़ गया हुआ था, जहां उसी परिवार के एक युवक की नदी में नहाते वक्त डूबने से मौत हो गई। तो वहीं पुलिस वालों और स्थानीय गोताखोरों की मदद से उसके शरीर को 3 घंटे बाद नदी से खोज निकाला गया। उसका भैया उधर बुलाने गया था, मतलब इसको खोजने गया था, हाँ, तो पता चला कि यहाँ कोई डूबा है। उसके बाद मैं आया, फिर एक व्यक्ति ढूंढ रहा था जो नहीं ढूंढ पाया था, तो मैं पहले नहाने सब आया था, तो मेरे को पता था, जानकारी था थोड़ा बहुत, इसलिए कोशिश किया खोजने का। उसके बाद खोजे? हाँ, वो बहुत बार डूबने के बाद दूसरे जगह में, मतलब पानी बहाव की वजह से दूसरे जगह लेके चला गया था, फिर पता चला पैर से। महासमुंद में बुजुर्ग दंपत्ति को टोनहा टोनी कहकर प्रताड़ित और मारपीट करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की गई। मामला तुमगांव थाना इलाके के ग्राम गुड़रूहडी का है, जहां मारपीट का मामले में को दर्ज कर पुलिस ने आगे की जाँच शुरू कर दी है।
कि गांव के कुछ लोगों ने मतलब कुछ महिलाओं और कुछ लोगों को टोन ही जो कि डायन शब्द होता है उसका मतलब उनको इस शब्द को उपयोग कर अपमानित करने का प्रयास किया और उन लोगों को मारने पीटने का प्रयास किया जिसके चलते उनके शरीर में चोट लगे थे। चूँकि इस प्रकार के चोट के चिन्ह थे, AMLC रिपोर्ट से चोट तो क्लियर था, लेकिन जो शब्द टोन ही जो शब्द इस्तेमाल किया गया इसके लिए हम लोगों को बयानों की ज़रूरत थी। हम लोगों ने तुरंत संज्ञान लिया और उनके समाज और गांव के जो भी लोग थे उन लोगों को इसमें पूछताछ किया और हम लोगों को पता चला कि आरोपियों के द्वारा इस प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तो तुरंत हम लोगों ने वहां पर IPC की धारा 294, 506, 323, 147 और टोनी प्रताड़ना एक्ट 45 के तहत अपराध दर्ज किया, उनकी गिरफ्तारी की और उनको रिमांड पर भेजा है। महासमुंद के खल्लारी थाना में 25 सितंबर को ही राम कुमार दीवान की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी भुवनेश्वरी दीवान निकली। बता दें कि घटना के दिन मृतक और आरोपी पत्नी में विवाद हुआ और आरोपी पत्नी ने गुस्से में कैंची से मृतक के शरीर पर वार किए जिससे पति की मृत्यु हो गई। एडिशनल SP, DSP, AJK और DSP महासमुंद और हमारी साइबर की टीम सभी लोगों ने मिल करके हम लोगों ने प्रयास किया और टीम ने बहुत अच्छी प्रयास करके वस्तुजन्य साक्ष्य को देखा और देखने के बाद में उससे पूछताछ कड़ाई से पूछताछ करने के बाद में क्लियर हुआ कि पत्नी ने ही पति की हत्या की थी। हम लोगों ने कैंची भी अपना जब्त कर लिया है, आरोपी भी गिरफ्तार है और आगे हम अग्रिम कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।